डियर स्टूडेंट्स, एक दिन पहले ही हम लोगों ने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को रिव्यू किया था और जिस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, अगर इसी तरह के क्वेश्चंस फिर से आए तो हम कहेंगे कि आप लकी होंगे। आप में से काफ़ी लोग इनके सारे 10 क्वेश्चंस बना सकते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चंस फिर से आए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पे हमारा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज 10 क्वेश्चंस हूबहू प्रयास किया है कि इस तरह के जो पैटर्न है बीपीएससी का, मैथ और रीजनिंग का, देखिए इसमें हमने रीजनिंग के भी क्वेश्चंस कुछ डाले हैं। तो हमने इस 10 क्वेश्चंस में आपके हिसाब से हम कहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस में 7 का कट ऑफ रखा है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चंस बनाने चाहिए और जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है वो भी इसमें 2-3 क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस सेट को आइए देखते हैं, 10 क्वेश्चंस का ये सेट है जो बीपीएससी के हूबहू पैटर्न पे, जो आजकल पैटर्न चल रहा है। कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रेजेंट जो अभी पैटर्न है उसे को ध्यान में रखते हुए ये सेट किया गया। तो आप बनाएं और देखें कि कितने क्वेश्चंस आपके इसमें बन पाते हैं। इस 10 क्वेश्चंस में जो मैथ और रीजनिंग के अभी आपको दिए जा रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं जबकि 8 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के हैं जो आज आपको बनाने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पहले 5 महीने 1600 रुपये प्रति माह खर्च करके और अगले 7 महीने 1800 रुपये पर मंथ खर्च करके एक साल में 4180 रुपये बचाता है, तो उस व्यक्ति की पर मंथ एवरेज इनकम क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाएंगे, आप इसे पॉज कर लें। तो इसका आंसर हो जाएगा 2065, यानी बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसके सॉल्यूशंस को भी आप देख लें, आपको अंदाज लग जाएगा कि यह क्वेश्चन ऐसा था जो बनाया जा सकता था। आज का दूसरा क्वेश्चन सेम हो बहु मिलता जुलता क्वेश्चन 63वीं में आया था, 5 व्यक्ति और 8 लड़के एक काम को 5 दिन में करते हैं और उसी काम को कुछ इस तरह से आप देख लें, प्रश्न दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस हर एग्जाम में दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 11 दिन। अगर आप सॉल्यूशंस देखेंगे, यहां पर सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन बनने वाला था। आज का तीसरा क्वेश्चन, एक कार है जो 40 किलोमीटर पर घंटा से चलना आरंभ करती है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर बढ़ती जाती है, तो 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी। आप आराम से इसे समझ कर बनाने का प्रयास करें, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 किलोमीटर, पहले घंटे में 40, दूसरे में 45, तीसरे में 50, तो कुल मिलाकर 7वें घंटे में 385 किलोमीटर। सॉल्यूशन देखकर तो यह बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगता है। चौथा क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। देखिए एक अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट के सभी अक्षर को उलट दिया जाए, ABCD को अगर उलट दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, ZYX करके, तो दाएं से 20वें और बाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा लेटर आएगा। आप अच्छी तरह से देखकर आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा M अक्षर, यानी बी इसका हो जाएगा एम लेटर। यहां पर सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, तो आप सॉल्यूशन देखकर इसे बना भी सकते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन, ये भी अगेन रीजनिंग है। अगर ब्यूटीफुल को इस तरह से लिखा जाएगा तो लीफ को किस तरह से लिखा जाएगा। ये सब रेगुलर क्वेश्चन हैं, बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा NDOK, इनडॉक, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप देख लें, बहुत आसान ये रीजनिंग था। ये सब लोगों को ट्राई करना है इस तरह के प्रश्न को, रीजनिंग को। छठा क्वेश्चन, 2 पाइप एक टंकी को इतने इतने घंटों में भर सकते हैं जबकि तीसरा खाली कर सकता है 20 घंटे में, तो अगर तीनों को टंकी खाली है तो तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितने में भर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 घंटा, 10 घंटे में यह भर जाएगा। यहां पर इसके सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, सॉल्यूशन देखकर आप कह सकते हैं कि यह भी बनाया जा सकता है। आज का सातवां क्वेश्चन, देखिए बोट एंड स्ट्रीम का यह क्वेश्चन है।
धारा के डायरेक्शन में 60 किलोमीटर 4 घंटे में, और जबकि अपोजिट 40 किलोमीटर लग जाता है 4 घंटे में, तो शांत जल में नाव के चाल। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए ये बन सकता है, आप ठीक से इसे समझ लें और बनाने का प्रयास करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 25/2। x प्लस वाई बराबर 15 और x माइनस वाई बराबर 10 करके आप निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन देख लें। आज का 8वां क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 और 14 मीटर है। अगर लंबाई में 20% और चौड़ाई में 30% बढ़ा दिया जाए तो एरिया पर क्या असर पड़ेगा। अगेन, ये तो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो बनाया जा सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि आप फॉर्मूला को कम से कम रट लें, आसानी से इस तरह के प्रश्न बन जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 56%। आप इसके सॉल्यूशन देख लें, तो बस a प्लस बी यानी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100 करके ये आप निकाल सकते हैं। 9वां प्रश्न, एक साइकिल विक्रेता है जिस पर कुछ अंकित मूल्य है, और इस तरह से प्रश्न है, आप पढ़ लें और बनाने का प्रयास करें। पॉज कर लें, टाइम लें, 2 मिनट तक आप टाइम ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2880। इसके सॉल्यूशन भी आपको दिए जा रहे हैं, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, कहीं कहीं पर सॉल्यूशन थोड़ा सा शॉर्ट किया कर दिया गया है। आज का लास्ट 10वां क्वेश्चन, रमेश ने किसी स्रोत से 8% सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ अमाउंट लिया है। देखिए आप पढ़ लें और बनाएं, टाइम ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 40,000 रुपये। देखिए भी ऐसा क्वेश्चन था, PRT/100 पर ये आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं। तो बस आज का ये एपिसोड यहीं पर रहेगा, एक नया एपिसोड बहुत जल्द आएगा, रिव्यू होगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा और साथ में आपका असेसमेंट भी होता रहेगा, ये ज़रूरी है। तो अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें, मैक्सिमम इस एक महीने में अपना सब कुछ लगा दें, ये एक महीने बड़े काम का साबित होने वाला है। ये अगर आपने अच्छे से पूरा टाइम मन लगाकर रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया, तो ये आपके रिजल्ट में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। अपना ध्यान रखें, हमें इजाज़त दें, टेक केयर।